वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। तो दोस्तों ये है पार्ट थ्री वीडियो। अगर आप पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट वन और पार्ट टू दोनों वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यह मिनी टिलर का गियर बॉक्स है। ड्रम असेंबली को बाहर निकाल कर पिनियन, बैरिंग और क्लच ड्रम सभी को चेक करेंगे हम। दोस्तों क्या आपके पास भी मिनी टिलर है 63cc का, 68cc का, और उस मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट करते ही रेस हो जाता है, ब्लेड स्पीड में नहीं घूम रहा है, या ब्लेड आप जब भी मिट्टी में सटाते हैं तो आपका मशीन बंद हो जाता है, लोड नहीं ले रहा है। दोस्तों ये सब प्रॉब्लम अगर आपके मशीन में आ रहा है तो आपको पार्ट वन और पार्ट टू यह दोनों वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। पार्ट वन और पार्ट टू दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या खराब हो सकता है, कैसे चेक करना है। मिनी पावर टिलर लोड नहीं ले रहा है, एक्सेलेटर लेते ही बंद हो जाता है, ब्लेड रफ्तार में नहीं घूम रहा है, मिट्टी को नहीं कोड़ पा रहा है, यह सभी कुछ मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है। इसलिए आप पहले पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो देखिए, उसके बाद ये पार्ट थ्री वीडियो देखिएगा। दोस्तों क्लच ड्रम असेंबली का जो पिनियन है उसे हम अच्छी तरह से चेक करेंगे। ये देखिए ये जो पिनियन है, इस पिनियन को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। दोस्तों यह पिनियन जो है वो घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, इसका जो दाता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसे आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। दोस्तों यह पिनियन अगर घिसा हुआ रहेगा या टूटा हुआ रहेगा तो जब भी आप मशीन को स्टार्ट करके चलाएंगे तो मिट्टी सही से नहीं कोड़ेगा, पिकअप नहीं बनेगा मशीन में। और ये देखिए ये है क्लच ड्रम, क्लच ड्रम को भी आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, यह घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर घिसा हुआ डैमेज लग रहा है तो आप क्लच ड्रम को भी चेंज कीजिए, एक नया क्लच ड्रम लगाइए। ये जो क्लच ड्रम है ये बिल्कुल सही है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बैरिंग लगा हुआ है, इस बैरिंग को भी आप अच्छे से चेक कर लीजिए, ये जो बैरिंग है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। दोस्तों बैरिंग फ्री नहीं घूम रहा है, टूटा हुआ लग रहा है, डैमेज लग रहा है, तो आप इस बैरिंग को चेंज कीजिए, एक न्यू बैरिंग लगाइए। ऊपर की तरफ भी एक बैरिंग लगा हुआ है, इस बैरिंग को भी आप अच्छी तरह से घुमाकर चेक कर लीजिए, ये बैरिंग भी बिल्कुल फ्री होना चाहिए। यह है गियर बॉक्स का मेन पिनियन, इस पिनियन को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। दोस्तों पिनियन का जो दाता है उसे आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, कहीं पर भी घिसा हुआ टूटा हुआ डैमेज नहीं होना चाहिए पिनियन, पिनियन को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बैरिंग लगा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं बैरिंग में बैरिंग कैप लगा हुआ रहता है, बैरिंग कैप को हम इस तरह से निकालेंगे स्क्रू ड्राइवर लेकर, स्मॉल स्क्रू ड्राइवर लेकर हम दोनों बैरिंग का जो कैप है इसे हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे बाहर। दोस्तों बैरिंग जो है वो कालापन हो गया है तो इस बैरिंग को हम अच्छी तरह से पेट्रोल से वॉश करेंगे, दोनों बैरिंग को हम पेट्रोल से अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल से हम सबसे पहले बैरिंग का जो कैप है इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। पेट्रोल से एक ब्रश ले लीजिए, ब्रश से आप बैरिंग कैप को अच्छे से साफ कर लीजिए, इसके बाद आपको बैरिंग भी साफ करना है। पेट्रोल और एक ब्रश लेकर आप अच्छी तरह से दोनों बैरिंग को क्लीन कर लीजिए। दोस्तों बैरिंग को पेट्रोल से वॉश करने के बाद आप बैरिंग को अच्छी तरह से घुमाकर चेक कर लें, बैरिंग जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। दोस्तों हमारी YouTube चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है, कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं वीडियो और मशीन के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगला वीडियो किस मशीन पे बनाऊं, जिस वीडियो पे ज्यादा लाइक और कमेंट करेंगे उसी मशीन का मैं रिपेयरिंग वीडियो बनाऊंगा। और क्या मैं आपसे थोड़ा पार्टनरशिप कर सकता हूं, हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए। यह वीडियो शेयर कीजिए उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आस पास टेक्नीशियन नहीं है, देखे जरा आस पास ना। किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है। दोस्तों क्या आप हमारे चैनल का सदस्य लेना चाहते हैं, आप हमारे चैनल का सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल किसान मशीन को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों इस पिनियन को भी हम बाहर निकालेंगे और अच्छी तरह से पिनियन को चेक करेंगे, पिनियन को पेट्रोल से अच्छी तरह से वॉश करेंगे। यह गियर बॉक्स चैम्बर में भी दो बैरिंग लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बैरिंग को भी हम अच्छी तरह से पेट्रोल से वॉश करेंगे। तो दोस्तों पिनियन को आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए पेट्रोल से, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। यह पिनियन को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए वॉश करने के बाद। दोस्तों यह गियर बॉक्स का जो चैम्बर है इसमें भी आप देख सकते हैं दो बैरिंग लगा हुआ है, दोनों का कैप हम इस तरह से खोल लेंगे और पेट्रोल से अच्छी तरह से वॉश करेंगे। दोस्तों बैरिंग में कालापन हो गया है, बैरिंग में डस्ट आ गया है, बैरिंग ब्लॉक हो गया है, बैरिंग अच्छे से नहीं घूम रहा है, तो हम इसे पेट्रोल से अच्छी तरह से वॉश करेंगे।
एक ब्रश और पेट्रोल लेकर आप अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लीजिए। दोस्तों आपके पास मिनी टीलर है 52 सीसी का, 63 सीसी का, 68 सीसी का। रिंग पिस्टन लेना चाहते हैं, क्लच लेना चाहते हैं, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, रिकॉइल स्टार्टर, गियर बॉक्स, किसी भी तरह का स्पेयर पार्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यह सभी मशीनों का स्पेयर पार्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं और अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों ड्रम असेंबली में भी देख सकते हैं दो बैरिंग लगा हुआ है। दोनों बैरिंग का कैप हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और पेट्रोल से अच्छी तरह से वॉश करेंगे बैरिंग को। बैरिंग को घुमाकर हम देख लेंगे बैरिंग जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों क्या आपके पास भी है लकड़ी काटने वाली मशीन चैनसो? लकड़ी काटने वाली मशीन चैनसो है आपके पास और वो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है या स्टार्ट करते ही रेस हो जाता है, पिकअप नहीं ले रहा है, लोड नहीं ले रहा है, लकड़ी काटते समय लोड नहीं लेता है, पिकअप नहीं लेता है, लकड़ी नहीं काट रहा है? लकड़ी काटने वाली चैनसो मशीन का रिपेयरिंग वीडियो बहुत सारा हमारा चैनल पर आपको मिल जाएगा। चैनसो मशीन आपका बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है? दोस्तों चैनसो रिपेयरिंग का वीडियो बहुत सारा हमारे चैनल पर अपलोड है, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चैनसो मशीन को कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से रिपेयरिंग करना है, यह सभी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों चैनसो मशीन रिपेयरिंग वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप सभी वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कैस्ट्रोल का ग्रीस है। कैस्ट्रोल का ग्रीस आप देख सकते हैं, यह ग्रीस को हम बैरिंग में लगाएंगे और पिनियन में भी लगाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। आगे और भी बहुत सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ड्रम असेंबली में दो बैरिंग लगा हुआ है, दोनों बैरिंग में आप इस तरह से ग्रीस भर लीजिए। ग्रीस भरने के बाद आपको कैप लगा देना है। गियर बॉक्स का जो चैम्बर है उसमें भी देख सकते हैं आप दो बैरिंग लगा हुआ है, दोनों बैरिंग में आप अच्छी तरह से ग्रीस लगा दीजिए। ग्रीस लगाने के बाद आपको कैप भी लगाना है, बैरिंग कैप को आप अच्छी तरह से लगा दीजिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से ग्रीसिंग कर रहा हूँ बैरिंग को, पिनियन में किस तरह से ग्रीस लगाना है, कितना ग्रीस लगाना है, वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों क्या आपके पास भी है ग्रास कटर मशीन 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक? ग्रास कटर मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, लोड नहीं ले रहा है, पिकअप नहीं ले रहा है, ग्रास कटर स्टार्ट नहीं हो रहा है या स्टार्ट करते ही रेस हो जाता है, या जब भी हम एक्सेलेटर को प्रेस करते हैं मशीन अचानक से बंद हो जाता है, पिकअप नहीं ले रहा है, लोड नहीं ले रहा है। दोस्तों आपके पास 2 स्ट्रोक ब्रश कटर है या 4 स्ट्रोक है? दोनों मशीन पर हमने रिपेयरिंग वीडियो बनाया है। अगर आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना है इस पर हमने वीडियो बनाया है। 2 स्ट्रोक ब्रश कटर, 4 स्ट्रोक ब्रश कटर, यह दोनों ब्रश कटर का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। दोस्तों प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप 2 स्ट्रोक का पूरा वीडियो देख सकते हैं और 4 स्ट्रोक का भी पूरा वीडियो देख सकते हैं, या आप सर्च भी कर सकते हैं 2 स्ट्रोक ब्रश कटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। हाउ टू रिपेयर 2 स्ट्रोक ब्रश कटर, हाउ टू रिपेयर 4 स्ट्रोक ब्रश कटर, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर। वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने किसान मशीन चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने मिनी टिलर का जो गियर बॉक्स है उसे फिट कर दिया है। फ्यूल टैंक में फ्यूल डालकर मशीन को स्टार्ट करेंगे। यह मिनी टिलर 2-स्ट्रोक है। 2-स्ट्रोक मिनी टिलर में पेट्रोल में टूटी ऑयल डालना पड़ता है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल डालना है और अगर आप 1/2 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं तो 20 ml टूटी ऑयल डालना है। दोस्तों फ्यूल टैंक में फ्यूल डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोरेटर में प्राइम बल्ब लगा हुआ है। इस प्राइम बल्ब को हम 4 से 5 बार प्रेस करेंगे। प्राइम बल्ब को प्रेस करने से पेट्रोल आना चाहिए, प्राइम बल्ब टाइट होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको मशीन स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा, रिकॉइल स्टार्टर को खींचकर हमने मशीन को स्टार्ट करने का कोशिश किया, बट मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों मिनी टिलर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम कार्बोरेटर को चेंज करेंगे। एक नया कार्बोरेटर हम इस मशीन में लगाएंगे। चलिए पाइप को निकालकर और प्राइम बल्ब को हम प्रेस करके देखेंगे। ये देखिए, प्राइम बल्ब को आप इस तरह से प्रेस करके देखिए। दोस्तों प्राइम बल्ब को इस तरह से प्रेस करने के बाद नोजल से पेट्रोल प्रेशर में नहीं फेंक रहा है, प्राइम बल्ब टाइट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम एक नया कार्बोरेटर को लगाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये न्यू कार्बोरेटर है। इस कार्बोरेटर को हम मिनी टिलर में फिट करेंगे और मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे। दोस्तों यह मिनी टिलर का आप स्पेयर पार्ट्स लेना चाहते हैं, जैसे कि कार्बोरेटर, रिकॉइल स्टार्टर, सिलेंडर असेंबली, क्लच, स्पार्क प्लग, फ्यूल फिल्टर, किसी भी तरह का स्पेयर पार्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों न्यू कार्बोरेटर लगाने के बाद हम प्राइम बल्ब को प्रेस करके इस तरह से देख लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राइम बल्ब को जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए पेट्रोल जो है वो कितना प्रेशर में आ रहा है। इस तरह से जब आप प्राइम बल्ब को प्रेस करेंगे तो प्राइम बल्ब में पेट्रोल भर जाएगा, प्राइम बल्ब टाइट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, चौक लीवर को हम ये साइड करेंगे तो अभी हमारा मशीन चौक में है। कार्बोरेटर का हॉल बंद हो गया है, अभी हमारा मशीन चौक में है। चलिए चौक से हम मशीन को हटा देते हैं। ये देखिए अभी हमारा मशीन चौक में नहीं है, कार्बोरेटर का हॉल खुला हुआ है। मिनी टिलर हमारा काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ये देखिए एक्सेलेटर वायर है, इस वायर का जो नट और बोल्ट है इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। एक्सेलेटर केबल से हम वायर को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए वायर को आप इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। वायर को बाहर निकालने के बाद अब आपको वायर को फिट करना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से एक्सेलेटर वायर को फिट कर रहा हूँ कार्बोरेटर में, इसी तरह से आपको भी फिट करना है। कार्बोरेटर में एक्सेलेटर वायर को फिट करने के बाद आपको केबल को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। केबल में देखिए नट लगा हुआ है, इस नट को आप अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए प्लास लेकर। एक्सेलेटर का जो लीवर है उसमें भी हम वायर को अच्छी तरह से फिट कर लेंगे। ये देखिए ये जो वायर है, इस वायर को आप इस तरह से फिट कर लीजिए।
एक्सेलेटर लीवर में आप इस तरह से वायर को अच्छी तरह से फिट कर लीजिए। एक्सेलेटर लीवर को आप घुमाकर इस तरह से चेक कर लीजिए। ये देखिए एक्सेलेटर का जो लीवर है वो काफी अच्छा वर्क कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक्सेलेटर लीवर और वायर दोनों को अच्छी तरह से फिट करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच का जो वायर है इसे अच्छी तरह से फिट कर देना है। ये देखिए ये जो वायर आप देख रहे हैं ये वायर है ऑन ऑफ स्विच का। अब मैं एयर फिल्टर को फिट करूंगा। एयर फिल्टर को फिट करने से पहले एयर फिल्टर को आप अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। एयर फिल्टर को आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए पेट्रोल से। एयर फिल्टर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। एयर फिल्टर को हमने लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर कवर को लगा रहा हूँ। ये देखिए एयर फिल्टर कवर को आप इस तरह से आराम से लगाइए। दोस्तों एयर फिल्टर कवर लगाने के बाद मैं एक बार आपको फिर से मशीन स्टार्ट करके दिखाऊंगा। दोस्तों अभी तक आपने किसान मशीन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।